नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां पूरी, लोगों में भारी उत्साह। सोनभद्र, श्री कृष्ण का जन्मोत्सव के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। हालांकि इस बार कोरोना वायरस महामारी के कारण मंदिरों में बड़े आयोजन नहीं होंगे। 30 अगस्त और 31 अगस्त दोनों दिन यानी जन्माष्टमी मनाई जा रही है। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार भादव पक्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी के दिन लोग भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उपवास रखने के साथ ही भजन कीर्तन और विधि विधान से पूजन करते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय रात 12 बजे अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में होगा, इसीलिए इसी नक्षत्र और तिथि में जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस बार 11 अगस्त को ही जन्माष्टमी तिथि सुबह लग जाएगी। वहीं सोनभद्र के ओबरा, रेणुकूट, रॉबर्टसनगंज, घोरावल, अनपरा, शक्तिनगर व दुग्धी में भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की तैयारियों में मंदिरों को सजाया जा रहा है। कोरोना महामारी को देखते हुए सभी जगहों पर बैरिकेडिंग की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का प्रयोग करने वाले मंदिरों में प्रवेश कर सकेंगे। ओबरा के राम मंदिर, हनुमान मंदिर व गीता मंदिर में जन्माष्टमी के उत्सव को देखते हुए साज सजावट की जा रही है। श्री कृष्ण के जन्म के बाद भक्तों को प्रसाद भी वितरण किया जाएगा। वहीं रामलीला का भी आयोजन किया गया है। वहीं रेणुकूट के राधा कृष्ण मंदिर में साज सजावट के साथ भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई है। इस मंदिर के दर्शन के लिए जनपद से सटे झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के आसपास के जिलों से लोग दर्शनों को पहुंचते हैं। राधा कृष्ण मंदिर में भक्तों के द्वारा नाच गाना शुरू है। कल विशेष पूजा का आयोजन किया गया है। वही भगवान श्री कृष्ण के जन्म के देर रात तक भजन कीर्तन चलता रहेगा। वहीं भक्तों को प्रसाद भी वितरण किया जाएगा। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम गोपाल सिंह है। मैं राधा कृष्ण मंदिर का सचिव हूँ, ट्रस्ट में ट्रस्टी भी हूँ, सचिव भी हूँ। कल कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव है और आप लोग अपने मंदिर में महोत्सव की तैयारियाँ कर रहे हैं, क्या पूरा प्रोग्राम है आप लोगों का? जैसा कि विगत पिछले सालों में होता रहा है कि बड़े कार्यक्रम करते थे हम लोग, जागरण से लेकर के सारा भजन संध्या वगैरह सारे कार्यक्रम होता था। सत्संग हाल एक बड़ा हाल है अपने यहाँ, उसी हाल में करीब 10,000 लोग बैठ करके एक साथ में भगवान का जन्मोत्सव मनाते थे। लेकिन इस साल कोविड की वजह से गवर्नमेंट के जो प्रोटोकॉल हैं उनको पालन करना है और भीड़ को इकट्ठे नहीं होने देना। इस वजह से गेट पर हमारे मास्क लेके लोग रहेंगे, हैंड सैनिटाइज कराएंगे, लोग दर्शन करेंगे और जाएंगे। बाकी हाँ, रुकने की कोई व्यवस्था नहीं होगी कि कोई रुकेगा, और पूजन करके बस बाहर निकलने की व्यवस्था रहेगी। और आपके यहाँ कोई दर्शन जो कार्यक्रम होता है, गीत संगीत वगैरह कोई कार्यक्रम रखा हुआ है? गीत संगीत का कोई कार्यक्रम नहीं है हमारे मंदिर में। 1972 से जो अखंड कीर्तन चल रहा है वो चलता रहेगा। अखंड कीर्तन 1972 से चल रहा है? हाँ, 1972 मंदिर के पीछे कहाँ चलता है? मंदिर के अंदर ही चलता है, मंदिर परिसर में चलता है। हाँ, मंदिर परिसर में अखंड कीर्तन 1972 चल रहा है, 24 घंटे चलता है, आज तक बंद नहीं हुआ। कितने लोग हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? करीब 20 से 25 लोग हैं जो यहाँ परमानेंट रहने वाले जो करते हैं। उसके अलावा बाहर से दर्शनार्थी जो आते हैं वो भी साथ में बैठ के पार्टिसिपेट करते हैं उसमें।